नाज़रीन आदाब, मैं हूं शबी हैदर और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लखनऊ से दीपक कबीर साहब, जो लखनऊ में पुलिस की बर्बरीत का शिकार हुए थे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। देखिए, उस दिन जो हुआ वो हिंदुस्तान की रवायतों में बहुत पहले से चलता आ रहा है। हम लोग ने प्रदर्शन किया, हम लोग खिलाफ हैं CAA के। हमें लगता है कि भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप पूरी दुनिया को अपने यहाँ इनवाइट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं, मगर हम ये नहीं पसंद करेंगे कि आप कहेंगे कि हम गोरों को बुलाएंगे, कालों को नहीं बुलाएंगे, हम ब्राह्मणों को बुलाएंगे, दलितों को नहीं बुलाएंगे, हम हिंदुओं को बुलाएंगे, मुसलमानों को नहीं बुलाएंगे। हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं इसके अलावा, आप चाहे जिस तरह आपने अदनान सामी को नागरिकता दी थी, CAA नहीं था लेकिन दी, तो CAA की ज़रूरत क्या पड़ी है ये हम समझ रहे हैं। और CAA की जो ज़रूरत पड़ी है वो हमें लग रहा है कि भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और दूसरा है कि इसके बहाने हिंदुस्तान के अंदर भी बांटने की कोशिश होगी, डेमोक्रेटिक डेंट डाला जाएगा, क्योंकि नागरिकताओं पे कागज़ नहीं होंगे, लोग परेशान होंगे, पूरा अव्यवस्थित हो जाएगा देश। साथ ही साथ में ये ख़तरा भी है कि ऐसे ही इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, उसमें फिर हम पटवारियों और लेखपालों और सबके चक्कर लगाते रहेंगे, पहले अपने कागज़ बनाएंगे। ये सब देखते हुए हम लोग विरोध कर रहे थे, जैसे वो लोग समर्थन कर रहे हैं सड़क पे निकल के, वैसे हम सड़क पे निकल के विरोध कर रहे हैं। विरोध अच्छा नहीं लगा, सरकार ने कह दिया कि हम जो है 144 लगा देते हैं और अखबार कॉलेज बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, एडवर्टाइजमेंट दे दिए, मेट्रो बंद कर दी। किसी प्रोटेस्ट से इतना खतरा नहीं था, पीसफुल प्रोटेस्ट है, हर तरफ पीसफुल है, कौन पुलिस से टकराएगा, वहीं पर आंदोलन ख़त्म हो जाता है। हम लगातार कह रहे हैं कि ये लंबी लड़ाई है, ये सरकार पे दबाव है, पुलिस से लड़ के हम ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम खुद ही कैंपेन कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर के इशू में मत उलझिए। इस पीसफुल कैंपेन में हम लोग निकले, इकट्ठा हुए, बहुत हमारी उम्मीद नहीं थी लाखों लोग निकले, जैसे हम लोग भी निकले होंगे किसी के कहने पे, मुझे नहीं पता, सब एक खुद ही निकलते चले जा रहे थे। और GPO तक पहुँचे, हमारे तमाम साथी पहुँचे, अरेस्ट हुए, डिटेन हुए, छोड़ दिए गए, इस तरह का माहौल था। यक बायक इवन खदरा एरिया में कुछ वायलेंस हुआ, वहाँ मोहल्ला टाइप का घनी आबादी है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ चल रहा था। ऐसा नहीं था कि पुलिस ने यहाँ पे बंद करा दिया है, तो हम भी ठीक है। उसके बाद 3 बजे के आसपास परिवर्तन चौक पे पता नहीं कहाँ से कोई जत्था आया, वहाँ पे पत्थर नहीं है, वो बहुत साफ़ सुथरा एरिया है, वो हमारा लखनऊ का हेरिटेज जोन है। आए, नकाबपोश आए, पथराव किए, ये सब हमें पता चला, मैं वहाँ नहीं था, और गाड़ियाँ जला दी। गाड़ियाँ इतनी जल्दी 5 मिनट में नहीं जलती, वो भी उस जगह जहाँ पे इतनी फोर्स मौजूद है, हाँ वही लखनऊ में। हाँ, उसके बाद भी हम 4 बजे कहीं और गाना गा रहे थे, राष्ट्रगान करवा रहे थे, तो चल रही थी चीज़ें, वहाँ का केवल माहौल हट गया था। फिर पता चलता है कि शायद मुख्यमंत्री ने बहुत डांटा और कहा कि बदला लो जिन्होंने किया, और ब्रीफिंग करी या कुछ भी किया, ये सब ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं। एकदम से 5 बजे के बाद पुलिस ने पागलों के तरीके से जो मिला उसे उठाया। अब वहाँ पत्थरबाज तो मिलेंगे नहीं, वहाँ तो जो धरना प्रदर्शन ख़त्म होने के बाद कोई दवा लेने निकला है, कोई स्कूल से क्या सामान लेने निकला है, कोई अपने बैंक जा रहा था, ऐसे ही तो लोग मिलेंगे। और उनको पकड़ा और बेहिसाब मारा, उनको परेशान किया। ये जो दमन है ये शुरू हुआ, इसमें हमारे 2 साथी भी फंस गए। हम लोगों को बाकियों का तो ना पता चलता, जब 2 साथी फंस गए और वो नहीं आए, तो रात में सब मुझे फ़ोन करने लगे कि नहीं मिल रहे, पता करिए, पता करिए। तो मैंने रात में पता किया, तो पता चला डिटेन है, लेकिन कहाँ है पता नहीं। मैं 1-2 थाने गया देखने और नहीं मिले। रात में 1:30-2 बजे मैं लौट आया कि चलो सुबह जाएंगे। सुबह फिर मैं गया 1 थाने, वहाँ नहीं मिले। दूसरे थाने गया, और जब दूसरे थाने के अंदर घुसा तो मैं सीधे घुसता चला गया, मैंने पूछा यहाँ ये है, पता चला है, मतलब देख लिया, मैंने बताया नहीं। तब तक वो लोग चिल्लाए कौन घुसाया कैसे कैसे, तो मैंने सोचा क्या है, चिल्ला क्या रहा, मैं सीधे खुद ही SHO से बात करूंगा। मैं आगे पढ़ा ही था कि SHO वहाँ का, उसने मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया, वो खुद ही मुझे मतलब पकड़ लिया उसने, और वो फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं अलग फ़ोन पे बात कर रहा था। मुझे लगा अच्छा हाथ पकड़ा है, कुछ कन्फ्यूजन होगा, अभी फ़ोन रखेंगे हम, इसे समझाएंगे कि क्या हुआ है। पता चला कि मेरे फ़ोन से पहले उसका फ़ोन ख़त्म हो गया, उसने मेरा फ़ोन खींच के तोड़ दिया वहीं पर, मेरी कैप हटाई और उसके बाद पकड़ के बोला ये पकड़ में आ गया, ये है मास्टरमाइंड, और इस तरीके से यही लोग ने करवाया, पूरा शहर जला दिया। मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश करी, अगर मैंने किया होता तो तुम्हारे थाने नहीं आता, मैं फरार होता, मैं खुद चल के आया हूँ, कुछ तो सोचो।
और वो बोला ये किया वो किया, काम तमाम चीज़ें बताई। मैंने कहा मैं नहीं था, खुद में कन्फ्यूजन हो रहा है। फिर उसने पागलों की तरह मेरी शिनाख्त करवानी शुरू करी, इन्हें पहचानो, ये उसमें भी थे उसमें भी थे। मैं केवल कुछ दिन पहले एक सिंपल प्रोटेस्ट में दिखाऊंगा, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें बता रहा था नहीं। लेकिन उसका जो था कि हमें कोई चाहिए और कोई चर्चित वो चाहिए कि हाँ जिस पर डाला जा सके, ये प्रोसेस में मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। वो पागलों की तरह मेरी शिनाख्त, इनको बताओ इनको पहचानवाओ ये सब, और सब मना करते जा रहे थे। लेकिन उसकी ज़िद थी। फिर आखिर में वो जब कहीं मेरी फुटेज वगैरह देखी होगी, 4-5 दिन पहले जामिया के बाद धरने के बाद मैं बोल रहा हूँ उसको, उस बना के वो आया खुद को, मतलब 10-15 जुलूस के साथ कांस्टेबल्स और एसआई के लाठियाँ लेके, और फिर वो पकड़ के मुझे ले गया एक हॉल में और कहा इनके हाथ पैर बांधो पकड़ो इतना मारो कि सारी क्रांतिकारिता निकल जाए, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, इनके भीतर का भगत सिंह आज निकाल दो। अब हम लोग गिड़गिड़ा नहीं सकते, ये नहीं कह सकते गलती हो गई माफ़ कर दो, हम ये नहीं कह सकते कि आइंदा नहीं करेंगे, ये क्या, हम बस इतना कह रहे थे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। वो पीटता चला गया। उसके बाद जब मुझे खड़ा किया तो मुझे हल्का सा चक्कर आया, वो लोग चले गए बाहर, तो वहाँ पे जो देखभाल के लिए पहरा होता है मैंने उससे कहा पानी पिला दो, जो कर लिया पानी दे दो। तो उसने कहा पानी भी नहीं देंगे, पानी देना मना है। पानी देने के लिए मना कर दिया? ये तो मुझे बाद में पता चला कि लॉकअप में भी किसी को ना पानी दिया गया है, ना खाना दिया गया है, ना कंबल दिया गया है, जाड़े की रात में सब ऐसे ही नंगे उस पर बैठे हैं। तो जब उसने नहीं दिया, उसके बाद मुझे मेडिकल कराने ले गए। मेडिकल एक फॉर्मेलिटी थी, सिंपल अंगूठा लगा ये जाइए। जब मैं मेडिकल करा के लौटा तो इस बीच इसने अपने SSP और सबको कहा था कि मैंने बिल्कुल पकड़ लिया है किसी ऐसे को जो सब, मतलब इस तरह की कुछ ब्रीफिंग दी, क्योंकि मुझसे आते ही कहा गया SSP साहब बैठे हैं, बुलवाया है, पेश किया जाए। और मैं गया, मुझे लगा SSP IPS ऑफिसर है, बात कर लेंगे उससे, थोड़ा समझाएंगे। लेकिन वो उससे ज़्यादा तमतमाया हुआ था, उसी तरह गालियाँ में मैं समझा रहा हूँ, जो नाम दे रहा हूँ उनको गालियाँ दे रहा है, चाहे वो ex IPS ऑफिसर हो चाहे जो हो, और बिल्कुल कह रहा है तुमने शहर जला दिया, तुमको बर्बाद कर देंगे और तमाम चीज़ें, कहा इनसे पूछताछ करो, इनकी पूरी डिमांड ले लो ये सब, और इनका इलाज हुआ कि नहीं। जब उसने ये कहा तो जो SHO था वो उसने मेरी बेल्ट निकालनी शुरू करी, तो मुझे लगा अब खींच के, तो मुझे लगा कि शायद भेजने से पहले बेल्ट निकाल लेते हैं। लेकिन फिर उसने जब जींस उतारने की कोशिश करी तो मैंने रोका, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, जो करना ऐसे ही करो। तो उसने कहा कि ऐसा है कि फिर इनको पकड़ो हाथ, 3-3, 4-4 लोग इनके हाथ पैर पकड़ेंगे, और इस बार भीड़ नहीं, 2-2 लोग मारेंगे, और तब तक मारेंगे जब तक थक ना जाए, और इनको 3 महीने से पहले ये बैठना नहीं चाहिए, और इतना मारो कि 1.5 से 2 इंच सूजे बदन। ये उसने ऐसे उंगली दिखा के किया, मुझे लगा आप क्या करेंगे, कितना मारेंगे। मैंने अपने आप को जब्त किया, आंखों को संभाला, कानों को, कि बस निकल जाए ये टाइम। अच्छा सर, जो वहीं लखनऊ में ex IPS अफसर जो लखनऊ में पुलिस की बर्बरीत के शिकार हुए थे, वो भी जो बुजुर्ग है वो, हाँ लेकिन वो अंदर नहीं थे, उनको मारपीट नहीं करी, लेकिन उनको चाय पानी खाना कुछ नहीं दिया, कंबल भी नहीं दिया, जबकि IPS अफसर थे। हाँ, उन्होंने ये सुना कि शायद हम कह रहे थे कि हमारे लिए जब कहा जा रहा था कि इसे 2 इंच सुजा देना चाहिए। फिलहाल उस पिटाई के बाद मुझे फिर लॉकअप में डाल दिया गया, और आधे घंटे के अंदर हम लोगों को कहा गया इसको तुरंत जेल भेजो, और मेरा लिखा भी नहीं गया, पेन से ही नाम लिखा, जो सबके नाम टाइप वाइप थे, और हम सबको एक साथ, और किसी जुडिशल किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया गया हमको सीधे। हमारे किसी में, हमारे साथ 38 लोग थे, एक के भी घर में खबर नहीं है। हम डर रहे थे, रात भर डरे हैं कि हमको ढूंढने जो लोग आएंगे वो भी फंसेंगे, क्योंकि जो भी ढूंढने आए थे वो सब बंद थे। अच्छा। वहाँ पे 3 लोग तो एक ही परिवार के बंद थे, सिर्फ ढूंढने आने की वजह से। तो 38 सब लोगों को जेल भेजा गया, जेल में किसी मजिस्ट्रेट को सामने नहीं, हम थाने से निकले और सीधे बैरक में गए जेल की, और बैरक में जाने के ठीक पहले हमको रात के 10 बजे पानी और खाना मिला है। ये पुलिस ने हमारे साथ ह्यूमन राइट्स को देखते हुए सलूक किया है। अच्छा सर, आपने बीच में भी एक बात कही थी कि जो योगी सरकार जो है वो प्रोटेस्टर जो हैं उन्होंने जो है तोड़फोड़ की, उनसे उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। हाँ। तो पुलिस ने भी तो वहाँ जो है तोड़फोड़ की है घर में? पुलिस ने बहुत तोड़फोड़ करी है, इवन वो भी तोड़फोड़ किसने करी ये साबित भी नहीं है। आप बेगुनाहों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर नोटिस आ रही है, एक तो हम पहले
सारे मुकदमे झेल रहे हैं, हम जेल में हैं, हम आपकी बर्बरता झेल रहे हैं, हम अपनी बदनामी झेल रहे हैं कि आप हमारी तख्ती लेके फ़ोटो वायरल करा रहे हो। और इसके बाद ये पांचवा झटका ये है कि आप हमें जेल के अंदर भी नोटिस भेज रहे हो कि 2,60,00,000 इन 40 लोगों से वसूला जाए। आप क्या करना चाहते हो? आप कहीं कुछ साबित करोगे कि नहीं? आपके हमने दावा किया था, आपके पास ये पोजीशन है कि जिन केसेस में 6 महीने जमानत नहीं होनी चाहिए वो पहली सुनवाई में बेल हो जाती है, सेशन से बेल होती है, एविडेंस के नाम पे ज़ीरो है, एक एविडेंस नहीं है, और ये अभी भी मैं दावा कर रहा हूँ। लेकिन आप फिर भी आपका जो मन चाहेगा करते चले जाओगे। आप मामूली कोई अगर मजदूर है बंगाल का तो आपको ये कह दोगे कि वेस्ट बंगाल कनेक्शन है, कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये सब अपनी गलतियाँ, अपनी नाकामयाबी और दूसरों को सरकार को दिखाने के लिए कि ये बहुत बड़ी साजिश थी पुलिस ने गढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ख़तरनाक दौर है जहाँ पे सत्ता आपको अपना दुश्मन समझ रही है, अपने नागरिकों को अपना दुश्मन समझ रही है, और सत्ता की शह पाके जो पूरी पुलिस व्यवस्था है या पूरा जो सिस्टम है वो भी आपको कुचल देने पर आमादा है। मैं क्या, मेरी शहर में बहुत इमेज है, बहुत लोग जानते हैं मेरे, बहुत हर कॉलेज में बोलने जाता हूँ, हर अखबार में मेरे इंटरव्यू छप चुके हैं। मेरे जैसे लोगों के साथ जब ये सलूक होता है तो एक दहशत होती है। लोगों ने अपने वीडियो डिलीट कर दिए, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिए, उस दिन की घटना जो लोग थे लाइव बना रहे थे। ये जो दमन है ये डेमोक्रेसी के अंदर नहीं चलेगा। सीए के समर्थन के लोग अभी भी जुलूस निकाल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, पर सीए के विरोध में आप नहीं कर सकते। कानून तो लागू हो ही गया है। नहीं, लेकिन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। लेकिन वो कर सकते हैं तो जो लोग उसके खिलाफ है वो नहीं कर सकते हैं। आप करो, ये क्या चल रहा है देश में? लेकिन ये जो भी चल रहा है ये ख़तरनाक है, और खुशी की बात है कि जनता इसे स्वीकार नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि योगी सरकार ने थोड़ी ज़्यादा गलती करी है, उनकी छवि बहुत ख़राब हुई है, पुलिस की छवि बहुत ख़राब हुई, लोगों में गुस्सा है, और 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो ये जो दौर चल रहा है, मैं एक पोएट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूथ के साथ करते हैं, कभी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं इसे कहना चाहूँगा, अब क्या कविता, क्या फ्लर्ट, क्या इश्क मेरी जान, मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वो बीमार बहुत है। तो दोस्तों, योगी जी ने कहा था कि हम बदला लेंगे और उसका हम लोगों को खामियाजा मिला। हम नहीं कहेंगे कि बदला लेंगे, हम उस पुलिस ऑफिसर से भी बदला नहीं लेंगे, हम उन लोगों से भी नहीं, हम बदला नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम बदलाव लाना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं। हम किसी को हराने की बात नहीं करते, लेकिन हम नफ़रत को जीतने नहीं देंगे, ना लखनऊ में ना इस मुल्क में। शुक्रिया।